अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इस्माइली, जिसके लिए हमने ये चार आलू लिए और ये चार आलू लेके हमने ये उबाल लिए हैं। उबालने के बाद में हमने इनका छिलका उतार के इनको ठंडा कर लिया है। बारीक बारीक कद्दूकस कर लेंगे, तो मैं कद्दूकस कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और आप चाहें तो इसे मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हमने ये कद्दूकस करा है। कद्दूकस करने से ये एक सा इसकी बाइंडिंग आएगी और अब हम इसके अंदर तो ब्रेड लेके उसका ये हमने ब्रेड क्रम बनाया है और ये तकरीबन ये हमारा ब्रेड क्रम 6 चमचे है, तो मैं इसके अंदर ये ब्रेड क्रम डालूंगी सबसे पहले और उसके साथ डालूंगी मैं इसके अंदर उसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी ये 3 चमचे मैंने ये रवा लिया है जिसे कि सूजी भी बोलते हैं, तो मैं ये सूजी 3 चमचे इसके अंदर डालूंगी। ये ब्रेड क्रम और ये सूजी जो है इसके आलूओं के मॉइस्चर को चूस लेती है और उसके साथ में डालूंगी इसके अंदर ये 2 चमचे ये कॉर्नफ्लोर लिया मैंने, मैं ये 2 चमचे डालूंगी। ये मैंने भर भर के 2 चमचे कॉर्नफ्लोर डाल लिया और इसके साथ में डालूंगी मैंने ये 2 चुटकी मिर्ची ली और ये 1/2 चमचे से भी कम मैंने ये नमक लिया है। मिर्चों से जो है इसके अंदर ज़रा मिर्चों से इसके अंदर चटपटापन आ जाएगा और बच्चों को ये अच्छे भी लगेंगे और वैसे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को और बच्चों की फेवरेट चीज़ है ये। और इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी और ये डालने के बाद में मैं इसको खूब अच्छी तरीके से ही इसको मिला लूँगी। मैं ये मिला लेती हूँ और देखूंगी अगर इसके अंदर ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा सूजी इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच और डालूंगी, तो मैं इसको मिला लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने ये डो गूंद लिया और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच रवा सूजी और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर और डाला था और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा हल्का सा 2-3 बूंद देखिए 2-3 बूंद तेल लेके और इसको डो को एक सा कर दूंगी और इसको एक सा करने के बाद में मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रखूंगी। इसको मैं 1/2 घंटे के लिए रखूंगी और उसके बाद में फिर मैं बताती हूँ किस तरीके से बनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डो को रखे हुए कम से कम 1/2 घंटा हो गया। अब हम इसको इस 2 हिस्सों में बांट लेंगे इस तरीके से और इसका एक इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे एक और पेड़ा बनाने के बाद में हम इसको चकले बेलन के ऊपर बेलेंगे। इसे बेलेंगे, इसको ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, इसको हम मोटा ही मोटा बेलेंगे इस तरीके से। देखिए हमने ये बेल लिया है। बेलने के बाद में हमने ये बोतल का एक ढकना लिया है, हम इससे इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किसी के घर में कुकी कटर होता है और किसी के घर में नहीं होता है, तो आप इस तरीके का एक बोतल का ढकना ले सकते हैं और उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से इसको काटेंगे। देखिए हमने ये काट लिए, काटने के बाद में हम इस ये एक्स्ट्रा जो हमारा ये डो है हम इसको इस तरीके से हटा देंगे। देखिए हमने ये इस तरीके का एक पैन लिया, अब हम इसकी इससे आंखें बनाएंगे। मैं इसकी स्माइली की इस तरीके से आंखें बना लूंगी।
देखिए मैंने इनकी सबकी आंखें बना ली हैं। और बनाने के बाद में मैंने ये एक इस तरीके का डिस्पोजल का चम्मच लिया है, आप अपने घर का भी चम्मच ले सकते हैं। और मैंने इसको इस तरीके से इसका मैं मुंह बनाऊंगी। देखिए कितनी जल्दी से ये हमारे स्माइली कुकीज़ तैयार हो गए। और अब हम इसको इस तरीके से हल्का सा नीचे से खींचेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा स्माइली तैयार है। इसी तरीके से हम इसको भी इसका हल्का सा खींचेंगे इसका। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये स्माइली तैयार हो गया। और इसी तरीके से मैं ये सब बना लूँगी। देखिए ये हमारे स्माइली तैयार है। और इसी तरीके से मैं ये सब बना लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारे स्माइली तैयार है। और देखिए छोटा सा क्विट सा हमने ये स्माइली आखिर में जो बचा था हमने उसका तैयार करा है। और आप ये स्माइली जो है आप ये सेव करके भी रख सकते हैं। इनको रात में फ्रीज़र के अंदर रख के और जब ये जम जाएंगे तो सुबह को ये फ्रिज में से निकाल के आप कोई भी जिप लॉक पॉलीथीन हो उसके अंदर ये सेव करके 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। और जब दिल जाए आपका जब आप फ्राई करके ये खा सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए हमारे स्माइली कितने अच्छे और क्यूट से बने हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर तो अब हम फ्राई करके दिखाएंगे। देखिए हमने ये रिफाइंड तेल गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद में अब हम इसमें स्माइली डालेंगे और यह हमें हल्के आंच पे ही सेकने जो अंदर तक सिक जाए। तो अब हम इसके अंदर ये स्माइली डाल देते हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे क्यूट से हमारे क्यूटी क्यूटी स्माइली बने। हमें हल्के आंच पे सेकने और हम इसी तरीके से बीच बीच में इनको हिला के और लटते पलटते इनको हम सेक लेंगे। देखिए हमने ये लटते पलटते स्माइली बहुत ही हल्की आंच पे हमने ये फ्राई कर लिए हैं। और देखिए ये हमारे स्माइली कितने अच्छे खुशी खुशी फ्राई हो रहा है हंसते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से मैं सब फ्राई कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्माइली तैयार है। और आप इसको टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी इसके ऊपर चाट का मसाला डाल के आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। और ये बच्चों को भी स्कूल में लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरी ये स्माइली की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। आपकी ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।